क्योंकि असल सवाल प्रभु, और आप तो 50 साल से भी ज्यादा 67 से आप चुनाव ट्रैक कर रहे हैं, तो वो है ना सीजर्स वाइफ शुड नॉट ओनली बी अबव सस्पेशन, शुड ऑल्सो सीम टू बी सो। चुनाव आयोग वो काम करता दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि ये सवाल हमारे लोकतंत्र का है, उसकी मजबूती और स्वास्थ्य का है। 17 इलेक्शन है, पार्लियामेंट 17 हो रहे हैं, 15 इलेक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया है या वोट दिया है या लिखा है उसके बारे में। अभी इन्होंने एक शब्द कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा कहना यह कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर दूध तो 10% है, पानी 90% है, तो कैसे लगेगा कलकत्ता कि क्या है उसके अंदर? हाँ। जब 10% पानी होगा उसके अंदर, 90% पानी होगा, तो 10% अगर दूध होगा उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कहाँ है? सवाल ये है कि मैं इलेक्शन कमीशन को ये सराहना करता हूँ कि 74 करोड़ लोगों के वोट डलवाए, वायलेंस पहले से बहुत कम हुई, परंतु 2 महीनों में कराए, जो आपने सवाल उठाया टेक्नोलॉजी है सब कुछ है, उसके ऊपर शक क्यों उठता है? इलेक्शन कमीशन के इसके बारे में सोचना चाहिए था कि हमारे ऊपर शक क्यों उठता है। मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया बहुत पुराने से, जिस तरह से क्या इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कुछ अच्छा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है, जैसे आपने सवाल उठाया, जब मेरे फेवर में जजमेंट आई तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, जब मेरे खिलाफ आई तो वो अच्छा नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसको आप मानते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए 3 लोग होंगे जिसमें सुप्रीम चीफ जस्टिस होगा, आपने अपना मंत्री वो भी जूनियर लगा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के ऊपर आपने अपॉइंटमेंट के ऊपर शक खड़ा कर दिया। अगर ओपोजिशन वाले शक करते करते रिस्पॉन्सिबल तो आप हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए थी, चीफ जस्टिस के नॉमिनी को उसके अंदर रखना चाहिए था, तो ये आज ऑपोजिशन वाले खड़े होकर बात ही नहीं करते थे। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी अगर खत्म किया किसी ने, उसके अंदर सरकार का योगदान भी उतना है जितना ऑपोजिशन पार्टी का भी है जो रोज सुबह गालियां देते हैं। पर यहाँ पर एक और चीज, आज राजीव कुमार ने आजकल एक फिल्म, मैं तो देखता नहीं हूं, आप लोगों में से बहुतों ने देखी होगी शायद, लापता लेडीज का भी इस्तेमाल किया कि हम लापता जेंटलमैन नहीं है, हम यहीं थे, हम कहीं गायब नहीं हुए थे। तो बीच चुनाव में भी क्या सफाई देनी चाहिए थी चुनाव आयोग को, जब सवाल उठ रहे थे? सवाल यह है कि इतने दिन सफाई नहीं दी। अभी इन्होंने कहा, बोल रहे थे कि 1272 पेज की किताब है कोड ऑफ कंडक्ट, मैं पहली बार देख रहा हूं कांग्रेस का प्रवक्ता जो है ईवीएम पे क्वेश्चन उन्होंने नहीं उठाया, पहले उठाते रहे, वो उन 1272 पेज के अंदर जो त्रुटियां हैं, जो रूल लागू हैं उसको कोड कर रहे हैं, उसके ऊपर शक कैसे खड़ा हो गया? जैसे उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दी कि जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की थी, उससे पहले इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दिया कि हम बैलेट पेपर पहले से काउंट करेंगे, वो आंध्रा में भी करने पड़ेंगे उनको। तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए कहा कि सरकार ने पहले से अनाउंस कर दिया कि हम ये करने वाले थे, और सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दी, क्योंकि जब डिमांड भी खत्म होगी तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसको भी अपने फेवर में पॉलिटिकली यूज करना ये पॉलिटिकल पार्टी का एक फैशन बन गया है, सुप्रीम कोर्ट को गाली देना और सुप्रीम कोर्ट से बोल करना। देखिए, आम आदमी का सवाल यहां पर आ जाता है, आम आदमी को जब तक ये भरोसा ना हो, गारंटी ना हो, प्रधानमंत्री मोदी का शब्द भी वैसे कांग्रेस ने यूज किया था कर्नाटक में और उठा ले गई बीजेपी बाद में, आम आदमी को तो एक गारंटी चाहिए ना कि जहां बटन दबाया है वहीं वोट कास्ट हुआ है, और यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, वो सुनिश्चित हो गया है प्रभु? मेरे को जो लगता है ऑपोजिशन ने जितना शोर मचाया है, इलेक्शन कमीशन धीरे धीरे उनकी बातें मानना शुरू कर दिया, ये अच्छी बात है इलेक्शन कमीशन को, ये कल के लिए शुभ संकेत है। काफी सारी डिमांड्स उनकी मान ली गई है, पहले से कह देते कि हम यही करने वाले हैं। हाँ। सवाल ये कि ये कहना कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले ये कहते कि कर्नाटका में जीत गए, हिमाचल में जीत गए, ये हिमाचल में ऑब्जेक्शन आपने भी कर सकते थे ना, अगर ईवीएम गलत हो सकती थी, तो ईवीएम जितने रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए थे, जिस 17C फॉर्म मैं देख रहा हूँ 1967 से, उसके अंदर कह देते हम वही करेंगे, अभी 17C से मिलाएंगे, क्या परेशानी है इसके अंदर? हाँ, परेशानी क्या है? काउंट आपके तो मशीन नहीं है, इलेक्ट्रिक एग्जिट पोल वाले हमारे सामने खड़े हैं, 1 घंटे में रिजल्ट दे देते हैं। हाँ। या इलेक्शन कमीशन ही टोटल कर सकता है आधे घंटे के अंदर? हाँ। शाम को 6 बजे इलेक्शन खत्म हो, इन्होंने कह दिया कितनी पार्टी जीत रही है 1 घंटे के अंदर। इलेक्शन कमीशन के पास सारे कनेक्टेड हैं सब, उनके पास इतने हाई फाई कनेक्शन है, उनके पास इतना पैसा खर्च किया जाता है, 5000 करोड़ का इक्विपमेंट उनके पास घर के अंदर के रखा है, वो कहते हैं हम टोटल नहीं कर सकते 11 दिन तक। पर इतनी बड़ी एक्सरसाइज की आदत है प्रभु, 2-4 कहीं जगह त्रुटियां हो जाए उसका तिलका तार तो नहीं बन रहा, और इससे आम आदमी का भरोसा दिखता है, और जो साख और सम्मान चुनाव आयोग ने कमाई थी दुनिया भर में उस पर भी बट्टा लगता है। तो अभी किसी ने ओपिनियन कोड कंडक्ट किया है, उसके अंदर यह है कि ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साख गिरी है, 67% लोगों ने कहा गिरी है पिछले कुछ सालों से, अच्छे अफसर हैं कुछ लोग, इन 3 इलेक्शन कमीशन के अंदर 1-2 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, उनकी पर्सनली इंटीग्रिटी बहुत हाई है, अच्छा काम किया उन लोगों ने,
परंतु किस कंपल्शन के अंदर वो अपना मुंह बंद करके बैठे, मौन व्रत लेकर के बैठे हैं, जैसा एग्रेसिवनेस दिखा रहे थे राजीव कुमार जी, जैसे जयराम रमेश को उन्होंने नोटिस दी। फॉर्म 17C का मिलान भी होगा, वहां पर ARO के पास पोलिंग एजेंट जा सकता है, तो जितनी शंकाएं थी अब वो दूर हो रही हैं, तो हमें ताली बजाकर अभिनंदन करते हुए कल के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। कल देखेंगे क्या होता है, कल मेरे को लगता है बड़ी वायलेंस मैं एक्सपेक्ट कर होगा नहीं, मुझे लगता है हर पोलिंग बूथ के ऊपर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में झगड़ा होगा, बहुत झगड़ा तनाव होने वाला है। उसी के लिए दोनों पार्टियां मीटिंग कर रही हैं, इसलिए नहीं कर रही, कोई तो जश्न मनाने के लिए कर रहे हैं। जैसे रूलिंग पार्टी का ये है कि कल वो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर रोड शो भी करें, तो अलग अलग तरह से मीटिंग इसलिए हो रही है, कल काउंटिंग के दिन काउंटर एक दूसरे को कैसे करना है ये सब चिंता है। इससे प्रकट होता है कि इलेक्शन कमीशन को बाई फोर्स हर रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब रिजल्ट कितनी देर में आएगा ये कलम बैठेंगे तब देते, तो थोड़ा वक्त भी लग जाए, जब 11 दिन सिर्फ टर्नआउट के आंकड़े में लग सकते हैं, एक दो दिन लग जाए तो देश कहीं इधर उधर तो जाने वाला नहीं है।